गुजरात के प्रसिद्ध शक्तिपीठ पावागढ़ के राजा पतई से नाराज होकर माता स्वयंभू उत्पन्न होकर गलियाकोट में शीतला माता के रूप में विराजित है। शतनाम प्रवक्ष्यामि। मंदिर में आज तक छत और गुंबज नहीं है। यहाँ पर श्रद्धालु मन्नत पूरी होने पर जिंदा बकरा मुर्गी चढ़ाते हैं, लेकिन कोई बलि नहीं चढ़ाई जाती है, बल्कि मंदिर से ही इनका पालन पोषण किया जाता है। राजस्थान के लोग इसे शीतला माता जी जानते हैं और गुजरात के लोग इसे बरियादेव के नाम से जानते हैं। माता जी पावागढ़ से आई हुई हैं। माता जी के ऊपर छत नहीं है, सर्दी गर्मी वर्षा तीनों सहन करती हैं और माता जी के पीछे एक हुरन नाम का एक पौधा है जो बारिश का सूचक है। वो बारिश कितने टाइम पे आएगी वो भी सूचक बताती है। माँ के दरबार में जो भी मन्नत लेते हैं, यहाँ घोड़े आदि रखे गए हैं, जो भी कोई मन्नत लेता है बकरे चढ़ाते हैं और मुर्गे भी छोड़ जाते हैं जिंदे, और माँ सभी की मन्नत पूरी करती है। यहाँ पंच देवियाँ विराजमान हैं, शीतला, ओरी, अचबड़ा, खांसी आदि माताएं धोनी भी है। यहाँ सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। गलियाकोट में शीतला माता मंदिर श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। डूंगरपुर राजघराने की यहाँ पर अटूट आस्था है। मंदिर में चैत्र नवरात्रि में शीतला माता जी के दर्शन मात्र से ही मोतीजारा, खांसी, स्थायी बुखार, टाइफॉइड, बांझपन, शरीर में गठन सहित कई बीमारियों के ठीक होने का दावा है। जितने भी प्रकार के किसी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, माँ के दरबार में आने पर, जैसे उसके लकवा मार गया हो, आँखों में किसी प्रकार की समस्या हो, हाथ पैरों में किसी प्रकार की समस्या हो, तो माँ उसकी हर मनोकामना लगभग 100% मिट जाती है, इतना अपन कह सकते हैं। और ये विश्वास है और आस्था है लोगों की कि यहाँ पर जो भी आते हैं उनका 100% दुख दूर होता है माँ की कृपा से। नवरात्रि में माता की विशेष पूजा से भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। चंड घंटा महातपा मनोबुद्धि रहंकारा चित्त रूपा चिता चिति। लोगों की मान्यता है कि दंपत्ति संतान प्राप्ति के बाद माता जी को हुरण के बीज चढ़ाते हैं। अगर कोई विकलांग व्यक्ति ठीक होता है तो वो माता जी को घोड़े का पुतला अर्पण करता है। देवी को तप की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इनकी आराधना से भक्त की तप करने की शक्ति बढ़ती है। मंदिर में इस बार 13 अप्रैल को 21 कुंडीय होमात्मक यज्ञ और 1008 गंगाजल कलश यात्रा निकाली गई थी। गलियाकोट में शीतला माता जी का मंदिर ऐसा है जिसके ऊपर आज तक छत ही नहीं बनाई गई है। जब भी छत बनाने की कोशिश की गई तब तब छत गिर जाती है। बताते हैं कि पावागढ़ के मंदिर और गलियाकोट में शीतला माता मंदिर का शिखर जब एक समान बनेगा तब ही छत टिक पाएगी। मंदिर की छत तब बनेगी जब पावागढ़ जैसा ऊंचा मंदिर बनेगा और उसका दिया माँ पावागढ़ देखेगी तो ही उतना ऊंचा मंदिर बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। यूं है, परंपरागत है, इसके हम भी उसके सानिध्य में हैं। इसलिए आज तक माता जी के ऊपर छत नहीं बन सकी है। ऊपर मात्र लोहे की जाली बनी हुई है। जाली के ऊपर और नीचे कपड़ा लगा हुआ है। किसी भी प्रकार का शिलालेख प्राप्त न होने से इस मंदिर के निर्माण काल के विषय में निश्चित नहीं कहा जा सकता है। मंदिर के बाहर कुएं की ओर जमीन में गड़े हुए दो विशाल प्रस्तर खंड है जिन पर सूर्य चंद्र की आकृति बनाई गई है। कहा जाता है कि गलियाकोट का प्राचीन दुर्ग तत्कालीन डूंगरपुर के वंशजों के अधीन था। सारा क्षेत्र घने जंगलों से भरा हुआ था। इस घने वन में माँ शीतला स्वयं प्रकट हुई। इसकी महत्ता तत्कालीन राजा को ज्ञात हुई तो उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। आज भी देवी के मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था डूंगरपुर राजवंश के अधीन है। गुजरात के पावागढ़ में पत्तई सिंह नाम का राजा था। तत्कालीन राजमहिषियां नवरात्रि के उत्सव पर अक्सर नृत्य किया करती थी। इन औरतों के साथ माँ भगवती सुंदर औरत का रूप धारण कर नवरात्रि के 9 दिन गरबा खेलने आती थी।
नवरात्रि के आयोजन में ढोल मृदंग मंजीरे बजाने वाले व्यक्ति को इस सुंदर औरत को देख आश्चर्य हुआ। उस व्यक्ति ने राजा पत्तेसी को कहा कि एक अत्यंत रूपवान स्त्री अक्सर गरबा खेलने आती है, जिसका सौंदर्य और नृत्य देखने योग्य है। यह रूपवती स्त्री कौन है, कहां से आती है, यह पता नहीं है। राजा इस रूपवान स्त्री का सौंदर्य और नृत्य देखने के लिए गरबा आयोजन स्थल पर उपस्थित हुए। जब गरबा प्रारंभ हुआ तो रूपवती स्त्री को देख राजा को आश्चर्य हुआ। उसके सौंदर्य से प्रभावित राजा ने साड़ी का पल्लू पकड़े हुए उसे अपने राजमहल में ले जाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने असली रूप में प्रकट हो वरदान मांगने को कहा, किंतु राजा ने वरदान से इनकार कर महल में आने का आग्रह किया। राजा की ऐसी दुर्भावना देख माँ ने श्राप दिया कि तेरे राज्य पावागढ़ का पतन होगा, मैं तुम्हारे क्षेत्र में नहीं रहूंगी। यह कहकर माँ अदृश्य हो गई और राजस्थान के डूंगरपुर में माही तट पर स्थित गलियाकोट गांव के पश्चिम की ओर प्रकट हुई। मंदिर में देवी की मूर्ति जमीन से बाहर 3 फीट निकली हुई है, इसका शेष भाग जमीन के भीतर है। संपूर्ण मूर्ति लगभग 13 फीट से भी ज्यादा लंबी है। यह माना जाता है कि वर्तमान में जहां माँ भगवती का स्थल है, वहां पूर्व में घना जंगल था जिसमें शेर, चित्ते आदि हिंसक पशु निवास करते थे। वहां आसपास कोई बस्ती नहीं थी। इस जंगल में ग्वाले गायों को चराने आया करते थे। एक ग्वाला भील जाति का था। शाम को ग्वाला जब गायों को लेकर घर पहुंचता और गाय का दूध निकालता, तब उसे यह संदेह हुआ कि गाय कम दूध क्यों देने लगी है। दूसरे दिन से उस श्वेत गाय की पूरी रखवाली हेतु गाय के पीछे पीछे ग्वाला रवाना हुआ। गाय सीधे झाड़ी में घुसकर माँ की प्रतिमा पर दूध की धार छोड़ रही थी। यह देखकर ग्वाले को आश्चर्य हुआ। शंका के मारे ग्वाले ने दूध की धार पर मिट्टी को खोद दिया और थोड़ी गहराई तक पहुंचा ही था कि एक पत्थर की बनी प्रतिमा सामने आई। प्रतिमा के एक हाथ में खड़क थी। यह देख ग्वाले को आश्चर्य हुआ। फिर प्रतिमा को देवी मान पूजा करने का इरादा करता हुआ घर लौटा। रात को जब ग्वाले के सपने में माँ ने कहा कि मैं पावागढ़ से निराश होकर यहाँ आई हूँ, मेरा मुख अग्नि कोण पावागढ़ की ओर है, मैं प्रसन्न हूँ और आज से तुम ही मेरे पुजारी बनोगे। आज भी माँ शीतला देवी मंदिर के पुजारी भील जाति से ही बनते हैं। नवरात्रि महोत्सव की अष्टमी पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। इस अवसर पर शीतला माता की प्रतिमा का सोने चांदी के आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है। विद्यते देवी त्रिशूलोकेषु पार्वती। शीतला माता मंदिर में प्रतिवर्ष यहाँ पर उपस्थित होता हूँ और दर्शन करता हूँ, माँ के द्वार में आता हूँ और यहाँ पर दर्शन करता हूँ। मेरी हर मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। मैं जो भी मन में धारता हूँ उसके पहले माँ सुन लेती है और माँ उस कार्य को पूर्ण करती है। माँ शीतला का इतना हम पर आशीर्वाद है कि लगभग हम हर दिन, मतलब हम ये चाहते हैं कि हर बार मतलब यही इसके चरणों में ही बैठे रहे। ये माँ की इतनी कृपा है। कुंडली, हस्तरेखा और जन्म तिथि के आधार पर भविष्यवाणी करने के तरीके बहुत प्राचीन हैं, लेकिन एक ऐसा पौधा बिना किसी गणना के भविष्यवाणी करता है। लोगों का कहना है कि इसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही होती है। डूंगरपुर के गलियाकोट कस्बे में शीतला माता मंदिर के प्रांगण में यह अनोखा पौधा पनपता है, जो भविष्य में होने वाली घटनाओं की आहट पहले ही सुन लेता है। लोक मान्यता है कि ये पौधा उन घटनाओं की सही भविष्यवाणी करता है। बरसात में माताजी की मूर्ति के पीछे हुरण का पौधा अपने आप उगता है, जिसके पत्तों के आधार पर लोग आगामी वर्ष के जीवन का अनुमान लगाते हैं। मंदिर के प्रांगण में स्थित पौधा बताता है कि आगे मौसम कैसा रहेगा, बरसात अच्छी होगी या अकाल पड़ेगा। पौधे की एक खासियत ये है कि इसकी उम्र बहुत छोटी रहती है। यह आषाढ़ में दिखाई देता है और दशहरे के पर्व तक समाप्त हो जाता है। बरसात का हाल जानने का यह तरीका कितना पुराना है, इस बारे में पूरी जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन लोगों को इस बात का पक्का यकीन है कि इसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। यहाँ तक कि जब अकाल पड़ा तो उसके बारे में भी इस पौधे ने संकेत दिया था। अच्छी बारिश के मौसम में यह करीब 6 फीट तक बढ़ता है और 4 महीने तक रहता है। अगर हालत अच्छे नहीं रहते हैं तो यह पहले ही खत्म हो जाता है और इसकी लंबाई भी कम रहती है।
समय से पहले सूखा हुआ पौधा शुभ नहीं माना जाता है। जब यह काफी स्वस्थ और हरा होता है तो लोग इसे समृद्धि का संकेत मानते हैं। हुरण है वो आषाढ़ महीने में उगता है, पंचमी के रोज से वो चालू हो जाता है। जैसे श्रावण मास आता है, श्रावण मास में वो पूर्ण पल्लवित हो जाता है और माँ के ऊपर छाया हो जाते है, बारिश गिरती है, माँ को उसे स्नान करती है, इसलिए हुरण। चंद्रे शतभिषाम गते विलिख्य प्रपठे स्तोत्रम। सुनते रहिए ओटीटी इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान। पदाम पदम।